Namaste Karmyogis and welcome back to the channel. Aaj ka jo video hai, it is about Vastu and jo bhi cheez aaj hum discuss karne wale hain, it is based on the questions you asked me on Facebook. So, Vastu is a very important subject in our life because it is to do with the space we are living or working from. But agar isko bahut complicated nahi banaye, to it is only about integrating the nature's five elements into our lives and using it to balance our space. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है वास्तु के ऊपर जिसमें जनरल डिस्कशन कर रखे हैं, सो यू कैन चेक दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ओवर हियर. सो नाउ वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग कि वास्तु इज अबाउट वस्तु. एक्चुअली इट इज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो हर एक डायरेक्शन की एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक एलिमेंट है. अगर आप उस ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन, उस एलिमेंट के पास रखते हो, देन इट इज बेनिफिशियल टू अस, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर अस. बट इसका कोई थंब रूल नहीं होता. मैं आपको सच बताऊँ, इट इज ऑल्सो टू डू विथ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल एंड एरर. इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कितने अवेयर हो. बिकॉज देखिए, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू ब्रिंग होम, मे बी अ शो पीस, मे बी एनी काइंड ऑफ टॉय फॉर योर किड, देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, एनी फोटो एल्बम. एट टाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर कंसल्टिंग वास्तु फॉर एवरी लिटिल थिंग यू बाय. तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि व्हेन यू प्लेसिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, नोटिस हाउ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, फॉर द गुड और द बैड. इज इट ब्रिंगिंग मनी, इज इट ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी. तो हर एक चीज जो आप प्लेस कर रहे हो ना कहीं वास्तु को प्लेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, उसकी कुछ ना कुछ एक रिएक्शन जरूर होती है. बट अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें, जैसे कि हमारा टॉयलेट का होना चाहिए, हमारा बेडरूम का होना चाहिए, that is where it is important to have a correct idea about vastu. One more thing I would like to bring to notice ki bhai, it is not important all the time to change the property structure. To ye main hamesha kehta hu, it is not at all important to do that every time because it is not possible. So main abhi aap logo ke questions lena shuru karta hu jo yahan par aap logo ne dal rakhe hain. I will be selecting few of them and I'll be answering it for all of you. So one of the question जो मैं सबसे पहले लेता हूँ was asked by अंजना सोनू जी. She asked me what about the rented houses where there's no scope for physical changes. This is exactly what I was talking about, अंजना, कि physical changes are not important, structural changes is not important. कि आपको एक रूम को तोड़ना होगा और फिर वहाँ किचन बनाना होगा, because it's not possible most of the time. So what is very important, keep placing it in the right direction. So for example, आपका किचन है, उसमें आप कम से कम अपने स्टोव को, अपने गैस को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखो. अपने घर के आपके अगर वास्तु इज नॉट इवन परफेक्ट एज पर द ड्रॉइंग, एज पर द स्ट्रक्चर, एटलीस्ट जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर दो. नॉर्थ ईस्ट इज योर ईशान कोण, इट इज टू डू विद योर डेटीज, योर गॉड. तो अगर आप समझो, आप बोलते हो मैं यार मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, तो क्या वास्तु मेरे लिए नहीं है या वास्तु परफेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है. यू मे प्लेस वाटर एलिमेंट इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डिनोट्स वाटर एलिमेंट. So it is not at all about the physical changes, Anjana ji. It is about placing the right objects in the right direction. That is very important. इसमें एक और चीज़ आप लोगों से बात करता हूँ कि बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई वास्तु हर वक्त काम नहीं करता होगा, सबके लिए नहीं काम करता. इट वर्क्स फॉर एवरी वन. बट एक कॉमन प्रॉब्लम लोग नहीं समझते हैं कि वास्तु इज ऑल्सो एसोशिएटेड विथ योर एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट. तो अगर एक समझिए कॉम्प्लेक्स में 200-400 फ्लैट हैं और वो सब एक ही लाइन पे हैं विद अ पर्टिकुलर वास्तु दोषा और वास्तु बेनिफिट एसोसिएट विद दैट फ्लैट, तो क्या सबकी लाइफ उतनी ही खराब होगी और इतनी ही अच्छी होगी? सो उसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है पहली चीज़ कि भाई आपका खुद का समय कैसा चल रहा है. अगर आपका समय बहुत अच्छा है तो उतना शायद आपको इफेक्ट नहीं कर पाता है या उतनी जगह वो स्ट्रेस नहीं दे पाता है. आपका समय बहुत खराब है तो इट काइंड ऑफ ब्रिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू. नंबर टू, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से समझिए, अगर नॉर्थ ईस्ट आपकी थोड़ी सी डिफेक्टेड है वास्तु वाइज, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो डिनोट्स जुपिटर प्लैनेट, ग्रह, जुपिटर ग्रह. तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर ग्रह इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, सो इट मे नॉट बी कॉजिंग मच हार्म टू यू. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई आपका जो वास्तु डायरेक्शंस है उससे एसोसिएटेड जो प्लैनेट्स हैं, आर दे वेल प्लेस्ड, आर दे इम्पॉर्टेंट, विच ऑफ देम इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच वन टू एक्टिवेट मोर टू ब्रिंग सर्टेन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि योर मर्क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर धन, मर्क्यूरी डिनोट्स नॉट, सो प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू एक्टिवेट योर नॉट मच मोर सो दैट द मनी एलिमेंट इंक्रीजेज इन योर लाइफ.
So that is also a very very important criteria all of you should remember. लोग आजकल वो करते नहीं है, क्यों नहीं करते पता नहीं, क्योंकि शायद टाइम नहीं मिलता या लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते. फिजिकल चेंजेस इज ईजियर. सो यस, आई डोंट नो द रीजन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिता डुग्गर आस्क मी कि व्हाट टू डू इफ यू हैव अ साउथ वेस्ट फेसिंग मेन डोर. सी नाउ अगेन, इट इज डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी कि साउथ वेस्ट फेसिंग मेन डोर हो. बट इफ यू ऑलरेडी हैव इट, सी इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि मैं आपको एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता प्रोवाइडेड आई नो योर कंप्लीट वास्तु प्लान. हो सकता है आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है विच इज बैलेंसिंग साउथ वेस्ट, हो सकता है आपके वास्तु में एक हिसाब से और भी चीजें बहुत नेगेटिव है जो कि साउथ वेस्ट के डोर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाती है, या आपके जो प्लैनेट है वो इतनी इंपॉर्टेंट साउथ वेस्ट को नहीं बनाते. दे आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. बट अगर आपके साउथ वेस्ट में मेन डोर है, वॉट यू कैन डू जनरली, one of the things I hate people putting Ganesha outside the main door, never do that. But what you can do, you can place the swastik sign outside the gate and inside the gate, just like a reflection. Swastik is a very good energy element to balance the energy of that particular space, number one. Number two, what you can do, you can probably वहाँ पर कुछ हैवी स्टैचू टाइप का रख सकते हैं, मार्बल का आप कोई एक स्ट्रक्चर रख के यू ट्राई टू मेक योर एंट्री वेरी स्ट्रांग. बिकॉज साउथ वेस्ट में अगर आपका गेट है तो समटाइम्स द मनी डजंट स्टे, लक समटाइम्स डोंट फेवर यू, सो थिंग काइंड ऑफ रन आउट ऑफ यू बिकॉज दैट इज द अर्थ एलिमेंट. सो चीजें टिकती नहीं है बहुत बार साउथ वेस्ट में घर होने डोर होने से. सो दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. निकिता, नाउ मेघा पोद्दार वॉन्ट्स टू नो, इज इट एडवाइजेबल टू स्टे इन अ हाउस विच डज नॉट हैव अ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर. So any corner which is cut, it is not advisable to stay in that corner, be it northeast, southeast, southwest. अगर कोई बोलता है कोई corner cut है वो important नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता. हाँ, अगर आपके ग्रह के हिसाब से वो corner अगर cut होता है इतना important नहीं, then you can say it is kind of balancing things. Northeast cut होने से unwanted debts आ जाते हैं, कभी कभी financial crunches आ जाते हैं, पैसे नहीं टिक पाते हैं, जो मेल मेंबर होता है उसके माथे पे काफी बर्डन हो जाता है कभी कभी. सो दीज आर सर्टेन यू नो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट. मैं यहाँ एक चीज वापस आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि बहुत बार आप लोग जब कंपास से देखते हैं ना, एक आइडिया बन जाती है यार कि ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट हो गई. आप ना अच्छे से देखो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट है नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्या करते हैं जनरली वास्तु करते हुए, लोग हमें बताते हैं भैया हमारा तो ये नॉर्थ है, सूर्य यहाँ से उड़ गया तो ईस्ट है. यू हैव टू रियलाइज सन ऑल्सो चेंजेस इट्स साइन थोड़ा सा. हाँ, अपना डिस्टेंस ना नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ की तरफ जाता है, ईस्ट के साउथ की तरफ भी आता है. कभी मैं आप लोगों को लाइव में दिखाऊंगा. इसीलिए हम कहते हैं संक्रांति के समय नॉर्थवर्ड जर्नी एंड साउथवर्ड जर्नी, रिमेंबर दिस. सो ईस्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, थोड़ी एंगल इधर उधर हो सकती है. So it is very important, take a compass properly, check where exactly is north east. So sector north east hai nahi, or north north east hai. But agar phir bhi cut hua hai, one of the things what you can do, you can divide the home in two halves by using a copper plate. So copper plate agar aap use karte ho, so you can make it into two rectangle actually. And then you can probably again balance the entire two halves in the right way. So that is one of the easiest way. Again, then you have to balance it. उधर का भी नॉर्थ ईस्ट में आपको कुछ देखना होगा, इधर के नॉर्थ ईस्ट में आपको एक एलिमेंट बैलेंस करनी होगी. Then accordingly, we can get the benefits of your house, Mega. Garima Agarwal wants to know कि in which direction you should make the domestic help sleep so they stay consistently and they feel positive. See, as per Vastu, the best direction is probably around the south corner. So, अगर आप साउथ में अपने हाउस हेल्प को सुलाते हो, that's a pretty positive place. अभी साउथ वेस्ट में मत सुलाना, it is for everyone. कभी भी अपने हाउस हेल्प को या पीपल who are working for you should not give the position of south west, because south west is a place where whoever stays or whoever spends maximum time becomes the boss of that home. So, अपने हाउस हेल्प को साउथ में सुलाइए. यू मे इवन गिव देम साउथ ईस्ट कॉर्नर के आसपास का जगह भी, बिकॉज साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट एंड दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटी यू नो फॉर हेल्पिंग एंड असिस्टिंग अस इन आवर लाइफ. सो दैट ऑल्सो गिव्स देम दैट एनर्जी इफ दे स्लीप इन साउथ ईस्ट. सो साउथ एंड साउथ ईस्ट इज अ गुड ऑप्शन. नेवर मेक देम स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट, दे विल नेवर स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट. ठीक है. Khushbu wants to know, master bedroom is in the southeast corner of the house. What can be done? See, again,
master bedroom in south. Southeast is fire element, as I rightly said. Abhi southeast is the place where you should have kitchen. But agar aapka bedroom aa jata hai and agar aapki arguments ko chal rahi rehti hain life mein, then it kind of inflates the entire situation, because southeast is fire, so it just gives a lot of energy push, lot of fire. So agar thodi si bhi aap logo mein behas hai, agar aap logo mein arguments hai, then the southeast corner should be very much avoided, kyunki wo behas ko, argument ko thoda sa badhava deta hai. But agar aapko lagta hai ki no, there's no romance left, ya hamare bahut lethargic ho rahe, then maybe you can use southeast room. But again, southeast room mein aap kya kar sakte ho? Ab isme apne ko na thodi si dimag lagani padti hai. Ab samjho room nahi change kar sakte, aapka 1 bhk room hai, that is your budget, and aapki southeast mein room hai. So what, for example, what can you do? You can take your bed towards the southwest of that southeast room. So us room ki aap puri vastu karo fir. Ye southwest mein bed le gaye, northeast ke side mein aap thodi si water element rakhne ki koshish kiye. So you actually make the structure in that way of that room, of your living space, jahan aapki us room ki vastu ekdam perfect ho chuki hai. So for example, you can sleep keeping your head in the right direction. So ye cheez agar aap karte ho, to automatically, even if you have southeast room, it can at least balance the situation. So aisa nahi hai ki things cannot be altered, it can be. Maybe it doesn't come to the best possible way, but it can come to a position where it's not alarming or hurting us in any way. So is there any other important question with us? Sangeeta Somani wants to ask something. Thank you, YogiG, for all your knowledge that you keep imparting. In North America, it's hard to follow the principle of Vastu. How does one overcome such hurdles? Sometimes the corners are cut in the house. 99% people buy the house that are pre-constructed. Rare are the people who construct on their own. This is not about North America, Sangeeta. It is about everywhere. Most of the people are buying their home, and aajkal to builders or promoters aapke layout bhi nahi change karna chahte, because everything is pre-planned as per the architect. But again, as I said, it is very easy. It's about placing the right objects in the right place. Na? So agar aapki ghar bani hui, aapki cheeze us tarah se nahi. I tell you myself, my flat is not 100% Vastu certified, very frankly. But what I try to do, I place the things. And second, aware ho. Main baar baar kahunga jo main shuru mein kaha tha. So when I place something, I try to observe next 5-10 days what kind of things are happening in my life. So I share one detail with you guys. I have a south entry and I have no problem with that. Rather, I feel south entry helps me a lot with my spiritual life, because from that's where I get a lot of knowledge. So whenever actually I work also, most of the time I am looking towards the south, because every element has its own benefits. All you need to do is rip the benefits and make the most out of it. So agar aapke ghar pre-constructed hai and you are in North America, just place the stuff in the right direction. Just northwest mein kabhi mat rehne ki koshish kariye. Northwest is air element. Air element mein jo bhi cheez rehti hai wo wahan tikti nahi hai. So we generally guest house banate, because you wouldn't want your guest to stay forever with you, or your toilets are in the northwest, because northwest mein toilet rehne se, you do not wish to have stinking objects staying at your home. So these are the little things you can do to make your life better. And yes, if there's anything else you guys want to know about Vastu, keep me posted, keep asking me your questions, and I'll definitely answer them for you. So thank you so much. This was a video especially for each one of you on your Vastu questions. I hope it helps you guys. Thank you so much. Take care.